विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों का कराया नेत्र परीक्षण। एसडीएम कार्यालय परिसर में संचालित हो रहे किशोर न्याय बोर्ड कार्यालय भवन में शुक्रवार को नेत्र संक्रमण रोकथाम के उद्देश्य से शिविर आयोजित किया गया। प्रधान मजिस्ट्रेट अंजलि पटेल की उपस्थिति में विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों का नेत्र परीक्षण कर उन्हें परामर्श दिया। बोर्ड की सीमा जोशी ने बताया कि विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। इनके स्वास्थ्य सेहत के प्रति संवेदनशील होकर उन्हें किसी तरह की शारीरिक परेशानी या कमी न हो, इसके लिए कुछ दिन पहले सिकल सेल की जांच भी कराई गई थी। आज नेत्र संक्रमण रोकथाम उद्देश्य से शिविर आयोजित किया, जिसमें 12 बच्चों ने परीक्षण कराया। इस दौरान बाल कल्याण समिति अध्यक्ष सुधा मोहिते भी उपस्थित थी। किशोर न्याय बोर्ड में विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे आते हैं जो 18 वर्ष तक के रहते हैं, तो स्कूल के प्रति संवेदनशील होकर बोर्ड में प्रधान मजिस्ट्रेट महोदया द्वारा समय समय पे स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं। उसी तारतम्य में आज किशोर न्याय बोर्ड में विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे और जो पीड़िता रहती हैं उन सभी का आँखों का चेकअप किया गया है, जो कि सेवा भारती के सौजन्य से किया गया है और दोनों के तारतम्य में जोड़ के, और इसके पहले भी सिकल सेल का स्वास्थ्य विभाग से संबंधित होके और हम लोगों ने उसका भी कुछ दिन पूर्व वो आयोजन भी किया था, ताकि बच्चों को यदि कोई कमी हो खून की तो उनकी जांच समय पे हो जाए और समय पे उनका उपचार हो जाए, तो बच्चों को कोई परेशानी ना आए और आगे उनका भविष्य उज्ज्वल हो। और इसी उद्देश्य से यह भी आज आँखों का चेकअप भी रखा गया है कि बच्चों को यदि कोई असुविधा हो देखने में तो समय पे उनकी जांच हो जाए और उपचार हो जाए। आज कम से कम 12 बच्चे हैं और सिकल सेल में उस दिन 16 बच्चे थे। ये है कि कोई भी बच्चे अपने जो उपचार हैं, जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं, उनसे वंचित ना रहे। इसके माध्यम से कि जो बच्चे जो सक्षम है वो तो करवा ही लेते हैं स्वास्थ्य मतलब चेकअप अपना, लेकिन जो बच्चे असक्षम हैं उनका हम लोगों का ये उद्देश्य है कि वो किशोर न्याय बोर्ड में आए और उनको भी स्वास्थ्य लाभ मिल सके। डिजाइना न्यूज में रिपोर्ट खरगोन। निमाड की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड को सब्सक्राइब जरूर करें।